हाय दोस्तों, कैसे हो? मज़े में ना? बस मज़े में ही होगे। आज है मंगलवार और 24 जनवरी 2023। आज मैं निकल चुका हूँ अपना काम करने के लिए। दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 1:10, करीबन 1:15 बज चुके हैं और मैं अपने घर से बाहर निकल गया हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के दिन की, देखते हैं शाम तक, रात को लेट नाइट तक चलाएगा गाड़ी और कितना अर्निंग होता है। जो भी है मैं आपको लाइव प्रूफ देने की कोशिश करूँगा और कितना CNG लगता है, कितना अर्निंग होता है, जो भी है सारा अपडेट आपको मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, शुरुआत करते हैं फटाफट ओला और उबर। दोस्तों फर्स्ट बुकिंग मुझे आ गया है एयरपोर्ट के लिए। ये बुकिंग आया है ओला में, करीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा जैसा बैठा, उसके बाद मुझे ओला में एक ड्यूटी आई है एयरपोर्ट के लिए। यहीं से वटवा से है, जयमीन पार्क सोसाइटी से। तो मैं फटाफट पहुँच रहा हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन पर और जो भी एयरपोर्ट जाके उसका फेयर बनता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो लगे रहिए वीडियो में, ये ड्यूटी फटाफट करते हैं कंप्लीट, उसके बाद जो भी आगे का अपडेट है मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी आप देख सकते हो मैं हूँ अभी वटवा में, ये चार मालिया के साइड पे। यहाँ से 1 किलोमीटर कुछ बता रहा है जयमीन पार्क सोसाइटी। तो लगे रहिए वीडियो में दोस्तों। दोस्तों पहला ट्रिप हो गया है कंप्लीट, जो आया था एयरपोर्ट के लिए वटवा से एयरपोर्ट। अभी अभी कस्टमर को मैंने कर दिया है ड्रॉप और अभी निकल रहा हूँ फटाफट एयरपोर्ट से बाहर, क्योंकि यहाँ पे रुकना तो कोई मतलब नहीं है और बाहर निकल के गाड़ी में CNG भी डलाना है। तो पहला तो इंदिरा ब्रिज से आगे बाट गाँव के पास में जाके CNG डला के यहाँ से 4-5 किलोमीटर ऐसे ही खाली खाली जाना पड़ेगा। तो दोस्तों लगे रहिए वीडियो में, जो भी आगे का अपडेट है मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाड़ी में CNG ख़त्म होने वाला है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी है, लेकिन CNG डला लेना अच्छा है। तो पहला ट्रिप का पेमेंट मुझे आया है 387 रुपया, 387 कस्टमर ने मुझे पे किया है। जो भी मिला है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा दोस्तों। और अभी फटाफट निकलते एयरपोर्ट से बाहर और आगे का जो भी अपडेट है मैं आपको अपडेट देता हूँ। दोस्तों करीबन एक घंटा सवा घंटा जैसा बैठने के बाद में मुझे एक ट्रिप आई है, क्योंकि आज क्या पता डिमांड ही नहीं है धंधे में, कोई ओला भी नहीं बज रहा था और उबर में भी कोई ट्रिप नहीं आ रही थी। अभी 6 किलोमीटर दूर से एक पिकअप आया है, पता नहीं कहाँ का है, मैंने आया ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है। 350 या 400 के आसपास का कुछ पेमेंट बता रहा था, तो देखते हैं। अभी मैं हूँ ये चांदखेड़ा रिंग रोड पर ब्रिज के नीचे और कस्टमर को लेने पहुँच रहा हूँ फटाफट। दोस्तों आप देख सकते हो ये चांदखेड़ा रिंग रोड न्यू ब्रिज बना है, वहाँ पर हूँ। यहाँ से फटाफट अडालत तरफ जाते हैं कस्टमर को पिकअप करने के लिए। दोस्तों जो मुझे लास्ट ट्रिप आया था वो मैंने कर लिया है कंप्लीट। वो बुकिंग था अपने सानंद से आगे, गोल्फ क्लब करके है कुछ, वहाँ का बुकिंग था। तो अभी अभी मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया, उसका पेमेंट 540 रुपया आया है। जो भी मुझे मिला है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये कुछ क्लब एरिया है, गोल्फ क्लब, और यहाँ पर रेसिडेंस एरिया भी है। आप देख सकते हो ये बंगलोस बने हुए हैं बड़े बड़े। यहाँ से बाहर रोड पे निकलने के लिए 4-5 किलोमीटर मुझे इसी एरिया में से निकलना पड़ेगा, इसी बंगलो में से। अब सेक्टर बनाया हुआ अलग अलग, सानंद से आगे आया है कुछ गोल्फ क्लब करके। दोस्तों लगे रहिए वीडियो में, जो भी आगे का अपडेट है मैं आपको अपडेट करता हूँ। एक और बुकिंग मैंने कर लिया है कंप्लीट, जो मैंने सानंद से आपको लास्ट अपडेट दिया था। वहाँ से सानंद से 4 किलोमीटर दूर से एक पिकअप आया था बुकिंग बोड़क देव के लिए। जो मैं पिकअप करने गया वहाँ पर कस्टमर के लोकेशन पे पहुँचा, लेकिन कस्टमर ना तो कॉल उठा सकता, ना कस्टमर ने कॉल भी नहीं उठाया और कोई रिस्पॉन्स भी मैसेज का नहीं दिया। तो फिर मैंने वहाँ पर 5 मिनट वेट करके राइड को कर दिया कैंसिल। उसका कैंसलेशन चार्ज मुझे 48 रुपीस मिल गया था सानंद से। फिर वहीं से थोड़ा आगे से मुझे एक राइड मिला था तेलाव के पास से निर्मा यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैंने अभी अभी कस्टमर को निर्मा यूनिवर्सिटी कर दिया है ड्रॉप, उसका पेमेंट ऑनलाइन आया। जो भी आया मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और अभी टाइम हो चुका है 7:30, 7:30 बज चुके हैं और एक बुकिंग मुझे आ गया है बोड़क देव सिंधु भवन रोड के लिए। तो अभी मैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पर पहुँच रहा हूँ, 1 किलोमीटर कस्टमर का पिकअप लोकेशन है। तो फटाफट कस्टमर को पिकअप करके बोड़क देव छोड़ के जो भी आगे का अपडेट है मैं आपको अपडेट करता हूँ, लगे रहिए वीडियो में। तो लास्ट अपडेट मैंने जो दिया था उसके बाद मैंने सिंधु भवन रोड की भी एक ट्रिप कर ली थी कंप्लीट। उसका पेमेंट 268 आया था। जो भी मुझे मिला है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। फिर
वहीं से 1 किलोमीटर के पास से मुझे और एक बुकिंग मिल गया था नरोड़ा के लिए। अभी मैंने नरोड़ा कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप, ये डायरेक्ट मैं रिंग रोड से ही लेके आया हूँ। रिंग रोड का ही लोकेशन मुझे बताया था, उसका पेमेंट बना है 540 रुपया। और अभी मैं बैठा हूँ नरोड़ा, अभी टाइम हो चुका है 8:50, करीबन 9 बजने वाले हैं। और देखते हैं यहाँ से अपना गो होम लोकेशन डाल देते हैं फटाफट, और वेट करते हैं 5-10-15 मिनट जैसा कोई ट्रिप आता है अपना होम लोकेशन का तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से MT जाना पड़ेगा घर। दोस्तों लगे रहिए वीडियो में। दोस्तों लास्ट अपडेट मैंने आपको जो दिया था, नरोड़ा कस्टमर को मैंने ड्रॉप करने के बाद में गो होम लोकेशन लगा दिया था, फिर वहाँ से 10-15 मिनट के बाद में मुझे एक राइड आई थी घोड़ासर के लिए। अभी अभी कस्टमर को मैंने घोड़ासर कर दिया है ड्रॉप, उसका पेमेंट 236 आया, 239 236 रुपया। तो कस्टमर ने मुझे 240 रुपीज़ पे किया है, जो भी मिला है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। फिर वहां से मैं सीधा सीधा अपने घर पे आ गया और ओला और उबेर दोनों डिवाइस कर दिया है ऑफ़। और अभी टाइम हो चुका है 9:45, 9:45 बज चुके हैं। आज का मेरा टोटल अर्निंग है, ओला में मैंने एक राइड कंप्लीट किया है उसका मेरा 182 रुपीज़ कस्टमर ने मुझे पे किया, जो मेरा फर्स्ट राइड मुझे मिला था ओला में एयरपोर्ट के लिए, वो एक ही राइड मैंने ओला में कंप्लीट किया उसका 282 रुपया। उसके बाद मैंने उबेर में टोटल मेरा अर्निंग है, 5 राइड मैंने कंप्लीट किया है, कुछ 1,495-1,400 रुपये का अर्निंग है उबेर में मेरा, 1,395 रुपया है, जो भी है स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ऐसा मिला के ओला और उबेर दोनों मिला के आज का मेरा टोटल अर्निंग 1,700 का कुछ हो रहा है, 1,680 या 1,700 रुपया जो भी है, इतना अर्निंग हो रहा है। और आज मेरा गाड़ी रनिंग हुआ है 175 किलोमीटर, टोटल कार मेरा आज का रनिंग हुआ है। और मॉर्निंग में आपको पता है मैं कितने बजे निकला था, जो भी अभी 9:45 हो गए, तो जो भी 8-9 घंटा जैसा आज काम किया है मैंने, 9-10 घंटा जैसा, 8-9 घंटा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।